आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ फॉल से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स, लेकिन फ्राइडे को बताया था गेट से। तो पहले पूछ लें आपसे कुछ गेट से रिलेटेड सवाल, अगर 3-4 भी जवाब आपने दे दिया तो यू आर अ जीनियस, ठीक है? और दो दो जवाब दिया तो भी ठीक है, और एक भी नहीं दिया तो फिर समझ लीजिए मेहनत करना है। पहला बताइए, गेट बाई का मतलब क्या होता है? हाँ, सरवाइव करना, गुजारा करना, और गेट थ्रू कामयाब होना, यू आर गेटिंग थ्रू योर गोल, कामयाब होना। अगर मैं कह रहा हूँ कि आप पूरे शहर में इधर उधर घूम रहे हैं आज, और गेट अराउंड का और मतलब क्या था? गेट रीड ऑफ, और टेक ऑफ, ये सब का मतलब छुटकारा पाना है ना? ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि आई एम गेटिंग अवे नाउ, मतलब आई एम लीविंग द प्लेस, आई एम डिपार्टिंग, मैं प्रस्थान कर रहा हूँ, और गेट अवे विद, अगर कोई गेट अवे विद कर रहा है यानी कोई सजा वगैरह से बचना चाह रहा है ना, गेट अवे। और अगर गेट अक्रॉस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, बस से उतरने को क्या बोलेंगे? बस ट्रेन से उतर जाओ, और बस में चढ़ जाओ, और कोई कार वगैरह में घुस जाओ। और गेट इनटू का मतलब कोई चीज में इन्वॉल्व होना भी हो जाएगा। हाँ, गेट अप का मतलब क्या हो जाएगा? और गेट ऑफ का मतलब, गेट ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा? नजर से दूर हो जाओ, गेट ऑफ, गेट लॉस्ट के सेंस में। हाँ, तो ये सब हमने पढ़ा था गेट से रिलेटेड। चलिए, आज मैं पूछ रहा हूँ फॉल से रिलेटेड, बताएंगे? चलिए, बहुत, हाँ बहुत बढ़िया, जीनियस। आखिर पढ़ा कौन रहा है? अच्छा, इसमें मेरी तारीफ हो गई, ठीक है, तो मैं अपनी तारीफ खुद ही करता हूँ, क्योंकि दुनिया में ना दूसरा को खाली ना शिकायत करने का टाइम है, बड़ाई कोई करता ही नहीं। हाँ, तो मैं अपना ना कर लेता हूँ, मन छोटा क्यों करूँ? आप लोग तो कभी करते नहीं, आप लोग तो एक वीडियो इतना मेहनत से बनाते हैं, लाइक भी नहीं करते। करते हैं, नहीं करते ना? लाइक करते हैं, शेयर करते हैं अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्टेटस पे कभी लगाते हैं? कभी नहीं लगाया। एक दो बच्चा है, हमेशा है, 2 साल से देख रहे हैं, मेरा ही फोटो अपने स्टेटस पे लगाते हैं, इतना ज़्यादा प्यार हो गया। लेकिन थोड़ा बहुत आप लोग ना कभी कभी कमेंट कर दीजिए वीडियो, आपको देख देख के ना एक कमेंट से कितना बच्चा इंस्पायर हो जाएगा। आ सब देखते रहता है, जानते हैं, इनिशिएट नहीं करता एक्चुअली। एक दो कमेंट आप कर देंगे ना तो बाकी सब फिर करने लगेंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा करिए, मतलब हम भी बढ़ें आप भी बढ़ें साथ साथ। चलिए, तो इससे मैं पूछता हूँ, बताइएगा, अगर मैं बोल रहा हूँ फॉल बिहाइंड, इसका मतलब क्या हो जाता है? हाँ, लक्ष्य वगैरह में थोड़ा पीछे रहना, और फॉल थ्रू का मतलब नाकामयाब होना, असफल होना, और फॉल बैक, पीछे हटो, पीछे हट जाओ, फॉल इन लाइन, पंक्तिबद्ध हो जाओ, और अगर हम कह रहे हैं फॉल इन लव, प्यार हो जाना, और फॉल इल, बीमार हो जाना, बहुत बढ़िया, और फॉल अपार्ट, अलग अलग करना कोई चीज को, या अलग थलग हो जाना, चलिए दोनों सही है, और फॉल अवे, गिर के अलग हो जाना, और फॉल ऑफ, गिर के दूर हो जाना, फॉल ऑफ का मतलब गिर के, हाँ, फॉल डाउन का मतलब गिर जाना, ठीक है, और समझ में आ रहा है ना? और फॉल ऑफ का मतलब रंग उतरना भी होता है, या कोई चीज उतर जाना, फॉल ऑफ, जैसे आपकी दीवार का रंग उतर रहा है तो फॉलिंग ऑफ, आपके कपड़े का रंग उतर रहा है तो फॉलिंग ऑफ, सही है ना? फॉल डाउन, आपके बाल जल्दी जल्दी गिर रहे हैं तो फॉलिंग डाउन हो जाएगा। अगर फॉल आउट विद करते हैं तो क्या हो जाएगा? फॉल आउट विद, झगड़ा करना, सही है।
और फॉल इन विद का मतलब क्या हो जाता है? हाँ, किसी के साथ मतलब मेल जोल हो जाना, बढ़िया से। तो चलिए इसी को मैं पूछता हूँ एक बार। जय हिंद दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ाएं इसके पहले मैं बता दूं कि श्याम शर्मा क्लासेस कंप्लीट इंग्लिश कोर्स दे रहा है। इसको आप ऑफलाइन क्लास का रिकॉर्डेड बैच भी मिल रहा है और लाइव क्लास भी मिल रहा है। तो लाइव क्लास का फ़ायदा ये है कि इसमें आपको हर क्लास के पहले PDF मिलता है, जो बहुत कमाल का है। कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं उसका PDF मिलेगा, 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज का रोज। इससे बच्चों को लिखने की क्षमता बढ़ती है और लिखते समय आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेते हैं और क्लास के दौरान आप खूब सवाल पूछते हैं और आपको हर एक डाउट क्लियर होता जाता है। लाइव क्लास में आपको सारा सेक्शन मिल जाएगा, ग्रामर में पूरा A to Z सारी ग्रामर डिटेल में, और इसके अलावा आपको जितना भी वोकेबलरी सेक्शन है वो सारा कुछ लॉजिकली बताया जाता है। रिटेन कम्युनिकेशन यानी कि लेटर से लेके आपका एसे, पैराग्राफ, रिपोर्ट सारा सिखाया जाता है। ओरल कम्युनिकेशन भी बताया जाता है, और इसके अलावा न्यूज़पेपर और रीडिंग स्किल्स पूरे तरीके से आपको बताई जाती है। राइटिंग, ग्रामर, वोकेबलरी सारा सेक्शन बढ़िया हो जाएगा इसमें, और सातों बुक्स भी आपको मिलेंगे और पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ऑनलाइन कोर्स ये सब भी आप प्राप्त करते हैं हर एक एग्जाम के लिए। SSC हो, बैंक PO हो, CDS हो, CAPF हो, TGT, PGT, आपका CHSL या CAPF हो, SSC हो, बैंक PO, UPSC, जितने भी तमाम एग्जाम है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और सातों किताब आपके घर तक पहुँचाई जाती है। कोई भी डाउट हो तो 9599-61479 जो स्टेटस बार में चल रहा है उस पर आप कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। ये लाइव क्लास लीजिए, 2 साल तक कोर्स का एक्सेस है। 8 महीना में कोर्स ख़त्म होता है लेकिन एक्सेस 2 साल तक रहेगा। मैं 2 साल तक इसमें पढ़ाता रहूँगा, हर चीज़ सिखाऊंगा। ये दुनिया का अपने आप में एक यूनिक कम्प्लीट इंग्लिश कोर्स है, जिसको करने के बाद चाहे IELTS हो, TOEFL हो, विदेश में जाके कमाना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी आप जितने एंट्रेंस एग्जाम देते हैं सब इसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें रीडिंग, लिसनिंग, ओरल, रिटेन सारा, कम्युनिकेशन, ग्रामर, वोकेबलरी सारा कुछ है। आप कोई भी डाउट हो तो 9599-61479 पे कांटेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत। कोई जल्दी तो नहीं है ना? सही जा रहे हैं, स्पीड सही है? हमको भी बड़ा मजा आ रहा है फ्रेजल वर्ब पढ़ाने में। आपको मजा आ रहा है? हाँ हाँ, दोनों को मजा आना चाहिए। वैसे टीचर को ज्यादा आना चाहिए। टीचर अगर मजा करता है ना तो उस इंजॉयमेंट, वो एनर्जी को ना बच्चे भी इंजॉय करते हैं। ठीक है, फॉल अपार्ट का मतलब होता है डिसअसेंबल करना। क्या होता है डिसअसेंबल? जैसे कंप्यूटर है, उसको हम कह रहे हैं कि कंप्यूटर को मेरा काम नहीं कर रहा है 2 सालों से, बहुत पुराना है, इसको ना अलग अलग करके थोड़ा सा इसको सही से एकदम झाड़ पोंछ के रिपेयर करिए। तो कैसे बोलेंगे? दिस कंप्यूटर हैज नॉट बीन इन फंक्शन फॉर 2 ईयर्स, सो प्लीज फॉल अपार्ट माई कंप्यूटर एंड क्लीन ऑल द पार्ट्स, ऑल द मशीनरी एंड फिक्स इट। सही है? कोई मोबाइल या कोई भी मोबाइल है पुराना है, उसको अगर अलग अलग पार्ट पुर्जा करना है तो कौन सा फ्रेजल वर्ब आएगा? फॉल अपार्ट। फॉल अपार्ट द ट्रांजिस्टर, फॉल अपार्ट द मोबाइल, फॉल अपार्ट एनी मशीन, एनी डिवाइस, अलग अलग करो या डिसमेंटल हो जाना, एकदम सब टुकड़े 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 में हो जाना। तो हिज हाउस हैज फॉलन अपार्ट इन द अर्थक्वेक, यानी कि टूट के अलग हो गया, दीवार उधर, सीलिंग उधर, पिलर उधर। उसने मेरे बाइक को मरम्मत करने के लिए खोल रखा है, ही हैज, बहुत बढ़िया। तो फॉल अपार्ट ये मैं पूछूंगा आपसे। फॉल बैक का मतलब क्या होता है? पीछे हटना। यू शुड फॉल बैक बिकॉज योर एनिमी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सही है? फॉल बैक, देयर इज रिस्क, डोंट मूव अहेड, फॉल बैक, आगे मत जाओ, पीछे आओ, फॉल बैक। तो कोई खतरा वगैरह देख के हम कहते हैं किसी को कि सावधान रहो, पीछे हटो, फॉल बैक। कमांडर ने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया, द कमांडर ऑर्डर्ड द आर्मी टू फॉल बैक। अगर मैं बोलता कि कमांडर ने सभी सैनिकों को पंक्तिबद्ध होने का आदेश दिया तो क्या होगा? द कमांडर हैज ऑर्डर्ड द आर्मी टू फॉल इन लाइन। वह बीमार हो चुका है, क्या बोलेंगे? ही हैज फॉलन इल, उसे प्यार हो चुका है। He has fallen, has है ना, तो fallen in love।
फॉल बैक मतलब पीछे हटना, लेकिन ऑन लग जाएगा तो पीछे हट के सहारा लेना, टू टेक सपोर्ट। गायकी के पेशा में असफलता के बाद वह अपने फैमिली बिजनेस का सहारा लिया है। आफ्टर फेसिंग फेल्यूअर इन द सिंगिंग प्रोफेशन, प्रोफेशन के लिए लाइन बोलेंगे तो स्लैंग वर्ड हो जाएगा, इनफॉर्मल वर्ड वो गलत हो जाता है। आफ्टर फेसिंग फेल्यूअर इन द सिंगिंग प्रोफेशन ना कि लाइन, ही हैज फॉलन बैक ऑन हिज फैमिली बिजनेस। तो फॉल बैक मतलब होता है पीछे हटना, फॉल बैक ऑन का मतलब सहारा लेना। चलिए, फॉल बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पिछड़ना, है ना। आप अपने प्रोजेक्ट को जमा करने में पिछड़ रहे हैं, मतलब जो टाइम है उससे लेट हो रहे हैं, पिछड़ चुके हैं, तो यू हैव फॉलन बिहाइंड। फॉलन बैक अलग हो जाता है, फॉलन बिहाइंड अलग हो जाता है, सही है कि नहीं, इन सबमिटिंग योर प्रोजेक्ट। ये तो आज ही याद हो गया बढ़िया से। फॉल डाउन का मतलब क्या होता है, गिरना, एक गिर जाना मतलब स्वतः, और गेट डाउन मतलब उतर जाओ। फॉल डाउन गिर जाओ, गेट डाउन उतर जाए, कम डाउन नीचे आ जाओ, ब्रिंग डाउन नीचे उतार लो, समझ रहे हैं ना। तो ये बार बार एक ही चीज लग रहा है, कम डाउन पुल डाउन फिर, तो अब ये हाँ नीचे करना है, डाउन है बिल्कुल बिल्कुल, अब फॉल है तो अब तो होगा नहीं कोई, ये तो ग्रेविटी के नियम के खिलाफ हो जाएगा ना, तो फॉल अप नहीं बोल सकते, फॉल डाउन ही हो सकता है। हाँ ब्रिंग अप हो सकता है, क्योंकि हम अपना ह्यूमन फोर्स लगा के कोई चीज को ऊपर उठा सकते हैं। ब्रिंग अप, कम अप, फॉल अप, फॉल डाउन, अत्यधिक वजन होने के कारण छत नीचे गिर चुकी है तो क्या हो जाएगा। हाँ, और एक बात याद रखिएगा, जब यहाँ एक्शन वर्ब हो ना तो ओइंग टू लगाना है, ड्यू टू नहीं लगाना है, ठीक है। ड्यू टू तब लगाना है जब यहाँ स्टेटी वर्ब हो, जैसे अगर हम कह रहे हैं ही इज सक्सेसफुल ड्यू टू हार्ड वर्क, यहाँ वर्ब इज है ना, और ही बिकेम सक्सेसफुल तो बिकेम एक्शन वर्ब हो जाएगा, या मतलब ही हैज गॉट सक्सेस ओइंग टू हार्ड वर्क, मतलब कोई भी एक्शन वर्ब अगर लगाते हैं तो ओइंग टू, ये एडवर्ब का काम करता है, ये एडजेक्टिव का काम करता है, तो यहाँ पे स्टेटी वर्ब होना चाहिए, ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। ये सब सवाल बनता है, तो मैं सोच रहा हूँ आप बताइएगा, मैं मेरे मन में एक विचार है, जैसे नदी है ना जो सालों बहती है उसको क्या कहते हैं, सदा सदाबहार नदी, पेरेनियल, पेरेनियल बोलते हैं, पेरेनियल स्प्रिंग का मतलब सदाबहार झरना, सालों बहती रहती है, पेरेनियल रिवर, तो पेरेनियल का मतलब होता है सालों भर। तो मैं एक चाहता हूँ, एक्चुअली बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो अलग अलग एग्जाम्स के होते हैं ना, जैसे कभी उनका CPO का देना है तो किन्हीं का CGL का देना है, किन्हीं का TGT का देना है, कभी PGT का होता है ना, तो कभी CDS का होता है, कभी STATE का होता है, तो कभी CTET का होता है, मतलब वेरियस एग्जाम है, सालों भर कैलेंडर चलता रहता है एग्जाम का। तो मैं चाहता हूँ कि एक बैच मैं पेरेनियल चलाऊँ जो सालों चलता रहे, मतलब वो एंडलेस हो। पेरेनियल का मतलब क्या हुआ, सदाबहार, लगातार उसमें मतलब एग्जाम से रिलेटेड 1 घंटा का या 1.5 घंटा जो भी है, 1 घंटा बहुत होता है, 1 घंटा रोज मतलब इसमें पढ़ाएं, और मेरे जितने भी बच्चे लाइव क्लास वाले हैं वो सबको मतलब कोई पैसा नहीं लगेगा, उनको ऐसे ही मतलब उसमें डालेंगे, और बाहरी वाले बच्चे के लिए मैं चाहता हूँ कि 9,999 रुपये फी रखा जाए, ठीक है, 900 ज़्यादा हो जाएगा, हाँ 99 रुपये एकदम, एक ब्राह्मण टीचर को और गरीब बना देगा एकदम, भिखारी रोड पे ले आना है। चलो चलो डन, 999 ही करेंगे, 15-20 दिन में अनाउंस करते हैं इसको, सोच विचार के अच्छा रहेगा ना ये। हाँ मतलब कोई भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो नज़दीक है उसके हिसाब से चलो, हाँ वो एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाएगा, मतलब एग्ज़ाम अगर जल्दी होगा तो जल्दी होगा, वैसे तो सबको ग्रामर वगैरह सारे टॉपिक तो करना ही है सभी को, सब एक ही हैं बस नाम अलग अलग है। तो फॉल डाउन आप समझ गए दोस्तों, आप भूल भी नहीं पाइएगा, क्योंकि अब तो आपका दिमाग भी चल रहा है इसमें, है कि नहीं। फॉल ओवर का मतलब क्या होता है, फॉल ओवर का मतलब गिरना, गिरना मतलब एक दूसरे के ऊपर, ओवर मतलब ऊपर होता है ना, फॉल डाउन नीचे गिरना, फॉल ओवर का मतलब हुआ एक दूसरे के ऊपर गिरना। हाँ ये सेंस समझ में आ रहा है आपको,
अगर हम कह रहे हैं भगदड़ मचने के बाद लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे तो क्या हो जाएगा? दे बिगेन टू फॉल ओवर वन अनदर आफ्टर द स्टैम्पेड. स्टैम्पेड का मतलब होता है भगदड़. तो ये देखिए, फॉल ओवर लग गया या फॉल डाउन लग गया या फॉल अवे लग गया या फॉल ऑफ लग गया. तो अब ऑफ का मीनिंग क्या है, ओवर का मीनिंग क्या है, ये क्या है, तो अब समझ में आ रहा है कि नहीं? बिहाइंड लग गया, अपने आप चीजें क्लियर हो रही है. खाली ये वाला वर्ड नया नया आ रहा है, ये सब वही आ रहा है. फॉल ओवर का मतलब क्या हुआ? किसी के ऊपर गिरना. हाँ. और फॉल फॉर का मतलब होता है प्रेम में पड़ना, फॉल इन लव. वह इतनी सुंदर है कि कोई भी उसके प्रेम में पड़ सकता है. शी इज सो ब्यूटीफुल दैट एनीबॉडी कैन फॉल फॉर हर. एनीबॉडी कैन फॉल फॉर हर मतलब कोई भी उस पर गिर सकता है, कोई भी उस पर मर सकता है. जैसे मतलब भाव होता है ना, भाषा. जैसे अगर मैं कह रहा हूँ मैं उस पर मरता हूँ, तो क्या मैं वाकई मरता हूँ या इसका मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ? अरे बोलो. हाँ, तो फॉल फॉर का मतलब होता है गिरना, मरना किसी के लिए. इज फॉलिंग फॉर समवन, वह किसी के लिए गिर रहा है, पड़ रहा है, मर रहा है. इतना पागल हो गया है ना, क्या कहते हैं उसको, क्रेजी. देखिए, मेरी टोपी गिर गई है जब मैं अपनी पड़ी हुई किताब को उठाने के लिए झुका. तो फॉल ऑफ का मतलब हो जाएगा ना, ऑफ का मतलब सर पे था टोपी, सर से डिटैच हो गया. तो ऑन कनेक्ट करना, ऑफ डिटैच करना, डिसकनेक्ट करना. माय कैप फेल ऑफ व्हेन आई वेंट डाउन टू पिक अप माय, यस. फॉल आउट ऑफ का मतलब होता है जैसे आपके पॉकेट से, आपके बैग से, आपके पर्स से कोई चीज गिर गया है. आउट ऑफ समथिंग, जैसे आपका बटुआ आपके पॉकेट से बाहर गिर सकता है, उसको और अंदर रख लो. योर वॉलेट मे फॉल आउट ऑफ योर पॉकेट. आपका कुछ सामान आपके पर्स से बाहर गिर गया है तो कैसे बोलेंगे? योर बिलोंगिंग्स हैव फॉलन आउट ऑफ योर पर्स. आपके पॉकेट से एक 5 रुपये का नोट गिरा है. अ 5 रुपी नोट हैज फॉलन आउट ऑफ योर पॉकेट. आपके बैग से एक छोटा सा एक किताब गिरा है तो क्या बोलेंगे? अ बुक हैज फॉलन आउट ऑफ योर बैग. तो यहां समझ रहे हैं ना, फॉल गिरना, आउट बाहर, ऑफ मतलब किसी चीज से. फॉल आउट विद का मतलब होता है किसी से झगड़ पड़ना. जैसे अपनी पत्नी के साथ उलझने के बाद वह घर छोड़कर चला गया है ना. पत्नी से जब भी लड़ाई होता है तो घर कौन छोड़ता है? पति. नहीं नहीं, पत्नी नहीं छोड़ती, पति में इतना हाँ मोरल है. अच्छा, आप वाली हाँ, तो उनको एक्सपीरियंस है, सही कह रहे हैं, वो भी भाग जाती हैं. आप भागिए, उनको मत भागने दीजिए, शायद रास्ता भूल जाए तो. है कि नहीं? मतलब पत्नी को नहीं घर छोड़ने के लिए कहना है, पति को जाना है इंडिया में. देखिए, अपनी पत्नी के साथ उलझने के बाद वह घर छोड़कर चला गया, कैसे बनाएंगे? हाँ, अगर मैं कह रहा हूँ वह हमेशा मुझसे उलझ पड़ता है तो कैसे बोलेंगे? ही ऑलवेज. बहुत बढ़िया, आपने टेंस भी सही लगाया है. अगर मैं कह रहा हूँ कि वह मुझसे उलझ रहा है, हाँ, ही इज फॉलिंग आउट विद मी. बहुत बढ़िया, क्लियर है ना एकदम? हाँ, बहुत बढ़िया. आप एक्चुअली ना, आप लोग सबसे खुशी की बात है, आप समझ रहे हैं कि हाँ, हम जो पढ़ रहे हैं वो भर भी हैं. कितना लोग तो पूरा फ्रेजल वर्ब पढ़ने के बाद पूछते हैं, जैसे रामायण खत्म हो गया, फिर पूछिए सीता कौन है, तो उसको पता ही नहीं, मतलब पढ़ रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है समझ में. जैसे फॉल थ्रू का मतलब बताइए. बहुत बढ़िया, तो हमें लगता है कि थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लग जाए तो कोई बात नहीं है, मतलब हाँ समझ में आना चाहिए. एक्चुअली जब जब आपको समझ में आएगा ना चीज़ें, सब चीज़ें अच्छी लगेगी. समझ में नहीं आता है तो बोरिंग हो जाता है. बिल्कुल. फॉल थ्रू, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता अगर मेरी योजना आपकी वजह से असफल होती है.
आई कैन नॉट टॉलरेट इट इफ माई प्लान फॉल्स थ्रू. हाँ, यहाँ ओइंग टू लिखा है, ड्यू टू क्यों नहीं लिखा? ओह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. टीचर अगर बताते हैं ना बढ़िया से, आप बच्चे अगर जवाब देते हैं तो बड़ा खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है. तो बिल्कुल बताते रहिए, नहीं तो कुछ तो हैं, नहीं तो कई बार तो टीचर को स्टूडेंट ही फंसा देता है. रट्टू मल टाइप का टीचर स्टूडेंट अगर हो तो रटने वाला, समझने वाला नहीं है. एक जैसे टीचर थे ना, अपने स्टूडेंट को बताया कि देखो जो हम लिखते हैं लिखवाते हैं वही काम करना, अपने मन से कुछ भी मत करना, कॉपी से बाहर अगर रहेगा तो दिमाग मत लगाना. रटवा के पढ़ाते थे. तो एक बार नदी पार कर रहे थे छोटा सा, उसमें गुरुजी पहले घुसे और बहने लगे, तैरना आता नहीं था तो बचाव बचाव कर रहे हैं, लेकिन चेला चुपचाप एकदम किनारे पे बैठ के मुस्कुरा रहा है. हाँ तुम पहले ही बता के सब मजे. हाँ तो बोला गुरुजी हम कैसे बचाए, लिखा हुआ ही नहीं है, पूरा कागज पलट के देख रहे तो कहीं नोटबुक में लिखे ही नहीं. तो बोले कि लिखो मूर्ख कहेगा कि अगर गुरु कहीं डूब रहा है बह रहा है मर रहा है तो उसको बचाना चाहिए. तो उसने पहले लिखा फिर बजाया, आदत ही ऐसी थी उसको, दिमाग लगाने के लिए बताया नहीं गया था. लेकिन अब तो हम दिमाग लगा रहे हैं कि भाई फ्रेजल वर्ब है तो जो प्रीपोजिशन एडवर्ब लग रहा है वो तो बार बार एक ही काम कर रहा है, तो अलग अलग वर्ड के साथ क्या होगा सोच सकते हैं हम. क्योंकि कई चीज़ें हैं वो हम नहीं बता सकते ना, किताब में लिखी होती है, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड आता है लाइफ में. फॉल थ्रू असफल होना, ये हो गया. फॉल अवे का मतलब हो गया स्टॉप सपोर्टिंग अ पर्सन, और एक एक करके सभी लोग मतलब आपसे दूर जा रहे हैं, उस सेंस में होता है. एक एक करके सभी लोग मेरी मुसीबत में मुझसे दूर जा रहे हैं, वन बाई वन फॉलन अवे फ्रॉम मी इन माई एडवर्सिटी. देखिए फॉल इन विद का मतलब भिड़ना भी होता है, टकरा जाना, टकरा जाना. फॉल इन विद और फॉल आउट एक ही जैसा होता है. फॉल इन विद मतलब कोलाइड कर जाना, जैसे आई एम रेडी टू फॉल इन विद देम, तो मैं उसके साथ टकराने के लिए तैयार हूँ या मैं उसके साथ उलझने के लिए तैयार हूँ, एक ही बात है ना. तो फॉल इन विद और फॉल आउट विद एक जैसा भी होता है, लेकिन फॉल इन विद का एक और मतलब होता है. फॉल इन विद का मतलब फॉल आउट विद जैसा ही होता है, लेकिन फॉल इन विद मतलब मिलना भी होता है. मैं अपने बेहतर भविष्य के लिए इस कंपनी के साथ जुड़ना चाहता हूँ, तो फॉल इन विद मतलब जुड़ना, मिल जाना. आई विल फॉल इन विद दिस कंपनी फॉर माई बेटर फ्यूचर, सही है.